वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएं। आपकी एक स्पेशल क्लास है आज संडे के दिन। आज हम लोग इसमें बात करेंगे सीटेट परीक्षा के बारे में। सीटेट परीक्षा के बारे में सिर्फ बात ही नहीं करेंगे, बल्कि बिल्कुल जीरो से लेकर के गहराई तक समझेंगे कि सीटेट की परीक्षा आखिर है क्या। इसका पूरा नाम सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। एक बात सबसे पहले सुन लें कि सीटेट की परीक्षा को पास करने का ये मतलब कतई नहीं है कि आप नौकरी पा गए, ठीक है ना। सीटेट की परीक्षा उत्तीर्ण करने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप टीचर बनने के योग्य हैं, बस। जैसे आपको एक डिग्री लेनी पड़ती है कोई भी नौकरी के लिए अप्लाई करने के लिए, उसी प्रकार से इसको मानिएगा, ये एक डिग्री नहीं है, एक सर्टिफिकेट मिलता है आपको जो कि आपको शिक्षक बनने के योग्य प्रमाणित करता है, ठीक है ना। लेकिन वो शिक्षक नहीं बनाता है कि आप सीटेट की परीक्षा उत्तीर्ण कर लिए तो आप शिक्षक बन गए। आप शिक्षक बन सकते हैं, किसी भी सरकारी स्कूल में शिक्षक की परीक्षा में बैठ सकते हैं, समझ गए ना। तो सीटेट इतना ही होता है। अब इसके बारे में हम बात करेंगे कि कौन अप्लाई कर सकता है, सीटेट की परीक्षा कब होती है, कौन करवाता है, और कितने नंबर का पेपर होता है, कितना पेपर होता है, कितना समय मिलता है, कितने नंबर लाने होते हैं, और क्या विषय वस्तु है इसकी, सिलेबस क्या है, ये सब कुछ हम बात करेंगे। इस क्लास को पूरा देखिएगा, इस वीडियो को, ठीक है ना। देखिए आज जो हम क्वेश्चन शामिल करेंगे, सबसे पहले सीटेट करने का फायदा क्या है, सीटेट की परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रॉफिट क्या है, क्योंकि कोई भी काम बिना प्रॉफिट के तो होता नहीं है ना। तो आप लोगों ने देख लिया होगा, प्रॉफिट के बारे में हमने आपको पहले बता दिया है ना। कब होती है ये परीक्षा? ये परीक्षा वर्ष में दो बार होती है। कौन कराता है ये परीक्षा? सीबीएसई कराती है। सीबीएसई जानते हैं ना, ठीक है। सीबीएसई आपकी ये परीक्षा कराती है सीटेट की, जिसे सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बोला जाता है। और अगला सवाल आप लोगों का अक्सर क्या होता है कि कौन कर सकता है आवेदन, यानी कि सीटेट की परीक्षा के लिए कौन आवेदन कर सकता है। तो आप लोग इतना जान लें, डीएलएड यानी कि जिसे बीटीसी बोला जाता है, या फिर बीएड, डीएलएड या बीएड किया होना चाहिए, उसके बाद आप सीटेट परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक बात ध्यान देंगे, सारी जानकारी हम आपको इंटरनेट और अन्य सोर्स के माध्यम से प्राप्त आधार पर बता रहे हैं। अगर कहीं कोई आपको कुछ नया अपडेट मिलता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, सूचित करिएगा, ठीक है ना। तो अगला है क्वेश्चन, इसमें कौन कर सकता है आवेदन, ये हो गया आपने जान लिया। डीएलएड या बीएड करने वाले यानी उत्तीर्ण अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। वर्ष में दो बार इसकी परीक्षा का आयोजन होता है। आप जानते हैं कि जनवरी से फिर से अप्लाई हो रहा है ना, हो रहा है ना सीटेट के लिए अप्लाई। और कितने नंबर का होता है पेपर और कितना पेपर होता है? देखिए सीटेट की परीक्षा दो तरह के लोग देते हैं, एक जूनियर वाले और एक प्राइमरी वाले। प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने की चाहत रखने वाले यानी कि कक्षा एक से लेकर के जो कक्षा पाँच तक के टीचर बनते हैं उन्हें पेपर फर्स्ट देना होता है, और जो कक्षा छः से लेकर के और आठ तक के अध्यापक बनते हैं स्कूल में उनको पेपर सीकंड देना पड़ता है। दोनों पेपर में थोड़ा सा डिफरेंस है, नंबर उतना ही रहेगा, 150 क्वेश्चन 150 नंबर का दोनों में रहता है, उसकी विषय वस्तु थोड़ी अलग रहती है, उसमें थोड़ा अलग रहता है, बस जो भी अलग रहता है अभी हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। कितने नंबर का होता है पेपर? 150 नंबर का होता है, 150 क्वेश्चन भी होते हैं, अभी हम आपको टेबल बना के दिखा देंगे, बस थोड़ा सा रुकिएगा, बस पांच मिनट से कम ही, टेबल बना के अभी हम आपको सब कुछ दिखाएंगे। कितने मार्क्स लाने होते हैं? देखिए ये डिपेंड करता है आपके वर्तमान सरकार पर, कितने परसेंटेज पर आपका सक्सेस माना जाएगा। जैसे अभी कुछ बवाल चल रहा था सीटेट की परीक्षा में, पहले ये कहा गया था कि 60% वालों को उत्तीर्ण माना जाएगा, लेकिन सरकार ने ये योग्यता 64% कर दिया पेपर होने के बाद, है ना, ऐसा कुछ हुआ था मामला ना, जिसकी वजह से लोग कोर्ट में भी जा रहे थे, काफी कुछ हुआ था। तो ये भाई कितने प्रतिशत लाने होते हैं ये वर्तमान सरकार पर डिपेंड करता है, उसके सिस्टम पर डिपेंड करता है कितने प्रतिशत लाने होते हैं। अगर कोई चेंजिंग ना कर दे तो 60% जो है वो
महत्वपूर्ण होता है, मतलब 60% इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अगर सरकार ने आपकी जो प्रेजेंट सरकार है बढ़ा करके 65 या 70 पे कर दिया तो फिर ये उस समय की बात होगी। ठीक है, कहां मिलेगी नौकरी? सीटेट परीक्षा पास कर लेंगे तो नौकरी कहां मिलेगी? सीटेट परीक्षा पास करने के बाद आपको केंद्रीय विद्यालय, केंद्रीय तिब्बत विद्यालय जो होते हैं, और यानी कि आपके जो भी सरकारी स्कूल है, जितने भी विद्यालय हैं, ठीक है, सर्वोदय यानी कि नवोदय विद्यालय, तो आप सर्वोदय, नवोदय या फिर केंद्रीय विद्यालय कहीं भी टीचर बनने के योग्य हो जाते हैं, जिसे केवीएस वगैरह बोलते हैं, है ना। और क्या क्या पढ़ना होगा ये अभी हम आपको दिखाएंगे। बाल विकास, मनोविज्ञान, पर्यावरण, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकेंड, मैथ, ये सब आपको पढ़ना होगा। तो अभी हम आपको ये सब टेबल बना करके दिखा देंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। और एक बात, सीटेट की परीक्षा अगर आप उत्तीर्ण करते हैं तो जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है वो 7 सालों तक वैलिड होता है, 7 ईयर तक वो वैध होता है। यानी अगर आपने 2019 में सीटेट उत्तीर्ण कर लिया तो 2026 तक आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये सारी जानकारी हमें इंटरनेट और अन्य महत्वपूर्ण और विश्वसनीय स्रोत के आधार पर मिली हुई है जो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए अब हम आपको टेबल दिखाते हैं कैसे कितने नंबर का होता पेपर, कैसे क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ये है आपके सब्जेक्ट यानी कि विषय और नंबर क्या क्या होंगे, ये आप देख सकते हैं। पहला है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसे आप लोग जानते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी, ठीक है, जो कि 30 क्वेश्चन इसमें से आपसे पूछे जाएंगे, एक एक नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होगा और आपको 30 मार्क्स मिलेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 30 रहेगा, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट में आपके लैंग्वेज होंगे, लैंग्वेज में फर्स्ट और सेकंड दो लैंग्वेज आएंगी, जैसे आप लैंग्वेज मतलब जानते हैं ना भाषा, जैसे हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत में, ठीक है। तो हिंदी तो आपकी मातृभाषा है, कंपलसरी ही रहेगा, बाकी अंग्रेजी और संस्कृत में आपको जो अच्छा लगे वो लेना होगा, ठीक है। यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज में एक प्रकार मान लीजिए हिंदी कंपलसरी हो गया, बाकी अंग्रेजी और संस्कृत में आप एक चुन सकते हैं, ठीक है। ये बात हो रही फर्स्ट पेपर की, कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने वालों के लिए। इसमें से भी 30 नंबर का आएगा और 30 क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसी तरह से दूसरे लैंग्वेज में भी 30 क्वेश्चन होंगे और 30 ही नंबर के होंगे। अगला आपका जो विषय होगा, चौथा होगा मैथमेटिक्स, जिसके लिए आप जानते हैं पीबीआर स्टडी इंडिया में जाना जाता है ना। तो मैथमेटिक्स में भी आपके 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 नंबर के होंगे, और आप लोगों ने जो सीटेट की परीक्षा अभी इसके पहले दिया होगा, पीबीआर स्टडी से पहले से जुड़ा था, उसका मैथ में 30 में 30 है, आप लोगों में से काफी लोगों ने रिजल्ट भी भेजा हुआ था, है ना। और अगला आपका है पर्यावरण, जिसे एनवायरमेंट बोला जाता है ना, तो एनवायरमेंट में आपके 30 क्वेश्चन आएंगे और ये भी कितने का होगा, 30 मार्क्स का होगा। कुल मिलाकर के टोटल जो आपको टाइम मिलेगा वो 150 मिनट का टाइम मिलेगा पेपर के लिए, और 150 क्या होंगे, प्रश्न होंगे, और 150 ही आपके नंबर भी होंगे, मतलब 150 मिनट के समय में 150 प्रश्न हल करने होंगे और आपको 150 नंबर मिलेंगे। ये पहला पेपर की बात थी। अब दूसरा पेपर के बारे में देखिएगा जल्दी से क्या है उसमें। सेकंड पेपर में मात्र नाम मात्र का अंतर होता है, वो ये होता है कि अगर आप साइंस के अध्यापक बनना चाहते हैं, मतलब साइंस साइड के, तो आपको गणित और विज्ञान के 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 60 नंबर के होंगे, ठीक है। और अगर आप आर्ट साइड के स्टूडेंट बनना, मतलब स्टूडेंट को पढ़ाना है, तो आपको सामाजिक विज्ञान लेना होगा, सामाजिक विज्ञान के आपसे 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 60 नंबर के होंगे, ठीक है ना। कुल मिलाकर के सेकेंड पेपर भी 150 प्रश्न 150 मिनट और 150 नंबर का होगा। पेपर दोनों 150-50 के होंगे, अंतर इतना होता है कि इसमें गणित और विज्ञान के 60 क्वेश्चन आते हैं और इसमें सामाजिक विज्ञान के 60 आते हैं, आर्ट वालों के लिए, साइंस वालों के लिए गणित और विज्ञान के, ठीक है। फर्स्ट पेपर में पर्यावरण रहता है, सेकेंड पेपर में पर्यावरण नहीं होता है।
तो ये 10 मिनट में आपने कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर लिया। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं राजकुमार यदुवंशी आपसे इतना कहना चाहूंगा कि अगर आप इन सभी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं सीटेट की, तो कंप्लीट तैयारी के लिए अनअकैडमी पर फॉलो करें और देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है ना, और आप अनअकैडमी पर पढ़ सकते हैं सब कुछ बहुत अच्छे से सिस्टमैटिक एक तरफ से। उसके अलावा कुछ क्लास आपकी YouTube पर भी चलेंगी, आप PBR स्टडी को YouTube पर सब्सक्राइब करें और YouTube पर भी पढ़ते रहें। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू, और इसी तरह से PBR स्टडी के साथ बने रहें। इस जानकारी को अपने मित्रों में अवश्य शेयर करेंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ जय हिंद, जय भारत।